ऐसे में बजट को लेकर समझ ये बनती है कि बजट मतलब आमदनी और खर्च का बही खाता, लेकिन देश की आमदनी और देश का खर्च कहाँ कहाँ कैसे कैसे होता है, अगर इससे शुरुआत करें तो? रुमाना जी, जो आपने प्रश्न पूछा है वो बहुत ही एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, और जैसे आपने कहा कि अगर आपको सरकार के हिसाब किताब को समझना है तो आपको बजट को समझना पड़ेगा, और इसमें सरकार के खर्चे हैं यानी सरकार की जो स्कीम है, जो हम लोग फौज को पैसे दे रहे हैं, इंडियन रेलवेज को पैसे दे रहे हैं, इन सब पे हम लोगों का कुल मिलाकर खर्चा कितना है। अगर ये खर्चा है तो क्योंकि सरकार को भी अपनी दुकान चलानी होती है तो सरकार को कमाई भी कहीं से लानी होती है, और कमाई के कुछ स्रोत हैं, एक तो टैक्स हैं जो आप जानते ही हैं, कुछ हैं जब हम लोगों को डिविडेंड वगैरह मिलते हैं, जो पब्लिक सेक्टर के जो कंपनीज हैं उनसे हमें डिविडेंड मिलते हैं, और कुछ जब हम लोग प्राइवेटाइजेशन करते हैं, निजीकरण करते हैं, जब हम लोग कोई चीज़ बेचते हैं तो उससे भी हम लोगों को कुछ आमदनी मिलती है, तो वो हम लोगों के कमाई के ये कुछ स्रोत हैं। इस वर्ष बजट के अनुसार सरकार खर्चा 35 लाख करोड़ करेगी, लेकिन सरकार की आमदनी, सरकार की कमाई सिर्फ 20 लाख करोड़ है। यानी अगर आप सरकार को एक आप बिजनेस समझें, एक दुकान समझें, तो आप खर्चे 35 लाख करोड़ कर रहे हैं और आपकी कमाई सिर्फ 20 लाख करोड़ है, यानी सरकार 15 लाख करोड़ के घाटे में इस वर्ष चलेगी, और वो घाटा हम लोग बाजार में जाकर, बैंकों से जाकर हम लोग उधार लेंगे, तब जाकर हम लोग उसको पूरा कर सकते हैं, उस घाटे को। ABP News आपको रखे आगे।